हेलो एवरीवन, क्या आप एक कोच और कंसल्टेंट हैं और आप अपने कोचिंग या कंसल्टिंग बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं? तो मैं आज 10 पिलर्स ऑफ कोचिंग इंडस्ट्री बताने वाली हूँ। मेक श्योर यू हैव अ पेन एंड पेपर टू ग्रैब ऑल दीज थिंग्स। बाय द वे, माय नेम इज साइबा महमूद। आई एम अ हाई टिकट सेल्स कोच फॉर कोचेस एंड आई हैव हेल्प्ड सेवरल कोचेस जस्ट लाइक योरसेल्फ ट्रांजिशन फ्रॉम लो टिकट टू हाई टिकट प्रोडक्ट्स। लिंक मेरे ग्रुप का नीचे दिया है अबाउट कैसे आप सेल्स सीख सकते हैं, हाई टिकट सेल्स की पूरी जो जर्नी होती है, माइंडसेट, स्किल सेट और यू नो रोल प्लेज हम करवाते हैं अपने प्रीमियम प्रोग्राम में। सो अगर यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, यू वांट टू गेट ऑन अ क्लैरिटी कॉल, लिंक नीचे है। बाय द वे, आज हम जो 10 पिलर्स सीखने वाले हैं ऑफ द कोचिंग इंडस्ट्री, लेट्स गेट स्टार्ट विद देम। सो व्हाट डू यू थिंक इज द फर्स्ट पिलर? फर्स्ट पिलर क्या है आपका कोचिंग इंडस्ट्री का दैट विल हेल्प यू टेक योर कोचिंग बिजनेस टू न्यूअर हाइट्स? एनी गेसेस? क्या डायरेक्ट हम सेल्स कर सकते हैं या डायरेक्ट कुछ भी कर सकते हैं कोचिंग इंडस्ट्री में अगर हमने एक सर्टेन लेवल पे चीजें नहीं करी हैं तो? ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर द पिलर्स ऑफ कोचिंग इंडस्ट्री, व्हाट आर द 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स। बाय द वे, आप अपने कमेंट्स नीचे शेयर कर सकते हैं जो भी आपको फील होता है, बिकॉज यू नो अ लॉट ऑफ दीज कमेंट्स टर्न इनटू वैल्यूबल कंटेंट। ऑलराइट, सो आई एम गोना बी शेयरिंग द 10 पिलर्स ऑफ कोचिंग बिजनेस। ठीक है, तो 10 पिलर्स क्या है कोचिंग बिजनेस के? नंबर वन है आपका लीड जेनरेशन। नाउ व्हाट इज लीड जेनरेशन? लीड जेनरेशन होता क्या है? आप एक कोचिंग बिजनेस चला रहे हैं, आपको लोग चाहिए जिनको आप सर्व कर सकते हैं या आपके जो बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, तो वो लोग कैसे आएंगे? लीड जेनरेशन के थ्रू। अब लीड जेनरेशन दो तरह से होती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, राइट? ऑर्गेनिक लीड जनरेशन मतलब आप अपने सोशल मीडिया के थ्रू या ऑर्गेनिकली व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सारे चैनल्स के थ्रू लोगों को आप कनेक्ट करते हैं अपने कंटेंट के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू, पोल्स के थ्रू, चीजों के थ्रू, और आप उनसे बिना पेड प्रमोशन के कनेक्ट करते हैं अपने कंटेंट, कमेंट्स और इन सारी चीजों के थ्रू, राइट? तो ये हो जाता है ऑर्गेनिक। इन जो होता है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या एडवर्टाइजमेंट्स जो होते हैं, बेसिकली आप फेसबुक को या इन प्लेटफॉर्म्स को, यूट्यूब को पैसे देते हैं अपने एड रन करने के लिए, और वहां से फेसबुक, इंस्टाग्राम या जो भी आप प्लेटफॉर्म पे रन कर रहे हैं, वहां पर लोग आपका एड देखते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो आपके कोचिंग बिजनेस में इंटरेस्ट शो करते हैं और आपका प्रोडक्ट या जो भी आप आपका फनल है उस हिसाब से आपके सिस्टम में एंटर करते हैं। तो ये होता है लीड जेनरेशन, दैट इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ कोचिंग बिजनेस। नेक्स्ट, सेकेंड, आपने लीड जेनरेट कर ली, लोग जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं वो तो आ गए। अब उसके बाद क्या? तो सेकेंड जो चीज होती है आपके कोचिंग बिजनेस में वो है नर्चरिंग। नर्चरिंग मतलब अब उन लोगों को जो आपके सिस्टम में आ चुके हैं उनको आपको वैल्यू देनी है। अब वैल्यू भी दो तरह की होती है, राइट? परसीव्ड वैल्यू एंड रिसीव्ड वैल्यू। परसीव्ड वैल्यू क्या होती है? परसीव्ड वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेरे फेसबुक के पेज पे आता है, मेरे फेसबुक अकाउंट पे आता है और वो देखता है बहुत सारा मैंने सेल्स के बारे में कंटेंट लिख रखा है, या यूट्यूब पे आता है और वो देखता है बहुत सारा मैंने सेल्स के बारे में कंटेंट लिख रखा है, तो क्या होता है? एक परसेप्शन बनता है, राइट? परसेप्शन बनता है, परसीव्ड वैल्यू उसे मिलती है, राइट? उसको कुछ वैल्यू मिलती है वहां से और उसको लगता है वाह, मतलब दिस पर्सन रियली नो सेल्स बिकॉज उन्होंने इतना सारा काम करा है, इतने सारे वीडियोज बनाए, इतनी सारी नॉलेज शेयर करी है, मतलब दिस पर्सन एक्चुअली नोज सेल। तो एक परसेप्शन बना, तो दैट इज परसीव वैल्यू। एंड देन होता है रिसीव वैल्यू। रिसीव वैल्यू बाद में आती है बिकॉज परसीव वैल्यू पहले परसेप्शन बनेगा कि हाँ दिस पर्सन इज ट्रस्टवर्दी, दिस पर्सन इज नाइस, दिस पर्सन इज लाइकेबल, राइट? जब वो परसेप्शन बनता है तो फिर वो प्रोग्राम में आता है, और प्रोग्राम में जब वो आता है तो उसको वैल्यू एक्चुअल में मिलना स्टार्ट होती है, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये वीडियोस एंजॉय कर रहे हैं, आई वुड लाइक टू टेल, हमारा एक ग्रुप है, एक्सक्लूसिव ग्रुप, जहाँ पर हम बहुत सारा वैल्यूबल कॉन्टेंट शेयर करते हैं सेल्स से रिलेटेड, राइट? सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज
मेरा लैंडिंग पेज नीचे पड़ा है, वहां पर बुक नाउ का बटन है, वहां से आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। क्लैरिटी कॉल भी लेनी है तो somebody इन द टीम विल कनेक्ट विद यू एंड दे विल आस्क। ऑलराइट, सो सेकेंड पिलर हो जाता है नर्चरिंग। थर्ड पिलर, जब आपने नर्चरिंग कर दी, लोगों को वैल्यू दे दी, जैसे जस्ट लाइक मी, अभी आपने मुझे एक सोशल मीडिया के किसी पोस्ट पे देखा, राइट, फिर आपको मैंने यहाँ पर वैल्यू दी, राइट, यहाँ पर वैल्यू दी तो आप मेरे ग्रुप में आ गए, वहां पर और वैल्यू दी तो अब क्या हुआ, अब आप क्लैरिटी कॉल पे आएंगे तो आपको और कॉन्फिडेंट फील होगा, राइट, मेरी क्रेडिबिलिटी और बढ़ जाएगी एंड वो जो सेल्स है वो बहुत इजीली हो जाएगी। द सेम अप्लाइज टू यू ऑल्सो, जब आपका क्लाइंट पहले आपका कोई वीडियो देखता है, फिर आपकी किसी कम्युनिटी में आता है और वहां पर भी उसे हाई वैल्यू मिलती है, तो फिर उसका कॉन्फिडेंस आप पे बढ़ जाता है, क्रेडिबिलिटी, लाइकेबिलिटी, ट्रस्ट बढ़ जाता है और सेल्स बहुत आसानी से होती है। तो थर्ड आपका पार्ट होता है सेल्स, राइट। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं मैं लास्ट में आपको शेयर करूंगी, इन द मीन टाइम आप मेरी बातों को सुनिए और नोट्स लेती जाइए, ठीक है। फोर्थ है आपका कोचिंग। आपने सेल कर दी, अब क्या, अब आपको लोगों को कोच करना है, जो आपने प्रॉमिस करा है उसको आपको मॉड्यूल्स के फॉर्म में, चीजों के फॉर्म में धीरे धीरे डिलीवर करना है, दैट इज कोचिंग। अब कोचिंग का अपने आप में एक बहुत ही डेप्थ है, उसके अपने फॉर्मेट्स होते हैं, कैसे आपको सेशन स्टार्ट करना है, कैसे आपको अपने क्लाइंट्स में हंगर बढ़ानी है, कैसे वो डिलीवर करना है और डिलीवर करके उनको कैसे अकाउंटेबल रखना है, इन सारी चीजों का एक पूरा प्रोसेस होता है। वो उतना डीप प्रोसेस अभी मैं यहाँ पर कवर नहीं कर सकती, बट मैं हाँ सरफेस लेवल पे आपको बताऊंगी कि कोचिंग मतलब आपका जो भी मॉड्यूल्स हैं, जो भी आपने उन्हें प्रॉमिस करा था, आप वो प्रॉमिस फुलफिल करते हैं। फिफ्थ आपका जो कंपोनेंट आता है वो है आपका कस्टमर सपोर्ट, राइट। अब कोई इंसान मान लीजिए आपकी कोचिंग में आ गया, राइट, अब कोचिंग में आ गया उसके बाद भी तो उसको कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने उसे पढ़ा दिया निश क्लैरिटी, बट फिर भी उसको कुछ प्रॉब्लम है, राइट, सो देयर नीड्स टू बी समबडी जो कि उसके वो डाउट्स, उसके वो प्रॉब्लम्स, वो डेलेमास क्लियर करे, राइट। तो जो आपने पढ़ा दिया तो उसके बाद भी आपके पास कोई टीम होना चाहिए जो कि उनके वो डाउट्स, वो प्रॉब्लम्स और उनको जो एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए, दैट इज वाई वाई इज इट कॉल्ड कस्टमर सपोर्ट, बिकॉज अभी वो आ गए, अब उनका वो जो एक्सपीरियंस है यहाँ पर जो सपोर्ट है, उनको वो सपोर्ट मिलनी चाहिए जिससे कि उनको वो रिजल्ट्स मिल सके, राइट, जिससे अकाउंटेबिलिटी बडीज होना चाहिए, ठीक है, उसके साथ साथ कोई इंसान उनकी ट्रैकिंग करना चाहिए, राइट, समबडी शुड बी देयर कि उन्होंने ये मॉड्यूल करा नहीं करा, बिकॉज अगर वो मॉड्यूल्स कंप्लीट नहीं करते हैं देन दे एक्सपेक्ट रिजल्ट्स, यू कॉन्ट हेल्प, राइट, अगर मॉड्यूल्स कंप्लीट कर रहे हैं फिर भी कुछ इशू आ रहा है देन यू कैन लुक इन टू इट, बट अगर मॉड्यूल्स कंप्लीट कर रहे हैं बट फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट। सो बेसिकली अकाउंटेबिलिटी और ये जितना भी जो भी सपोर्ट है वो उनको मिलना चाहिए। सिक्स्थ आपका जो पॉइंट है वो है आपके ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में आ जाता है आपका बैकएंड, एडमिन और टीम, मैनेजमेंट जो होता है, राइट। तो ऑपरेशंस में जो भी आपका, मान लीजिए अब शुरुआत में क्या होता है कि आपके ऑपरेशंस आप सब खुद ही कर रहे हो, खुद ही पढ़ा रहे हो, खुद ही मार्केटिंग कर रहे हो, खुद ही सेल्स कर रहे हो, खुद ही क्लाइंट को वो कैलेंडरी के लिंक्स भेज रहे हो, खुद ही आप ही टीम मेंबर हो, आप ही सब कुछ कर रहे हो। इनिशियली डे वन पे ऐसे होता है, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो अपनी जर्नी में, आप अपनी टीम डेवलप करते हो। फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई हैव टू पीपल, राइट, तो वो है, सो आई कैन एक्चुअली से कि हाँ, राइट, वन पर्सन हु इज मैनेजिंग माई सोशल मीडिया एंड अनदर पर्सन हु इज टेकिंग केयर ऑफ द शॉर्ट वीडियोज, राइट, या जो एड्स है, चीजें चल रही। सो बहुत सारे धीरे धीरे वो टीम बढ़ती है, वो जो ऑपरेशंस का सारा काम पहले आप कर रहे थे वो धीरे धीरे आपके बाकी मेंबर्स करने लग जाते हैं। फिर आता है आपका फाइनेंस, राइट, मंथली पीएनएल, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, राइट, पीएनएल, राइट, तो आपने मंथ में कितना खर्चा करा और कितना कमाया, राइट, वो भी बहुत जरूरी है। वो बहुत जरूरी क्यों है, बिकॉज अगर आपको यही नहीं पता कि कितना बर्नआउट हो रहा है और कितना पैसा आ रहा है, यू विल आप आपको लगेगा कि हाँ आप बिजनेस कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, बट यू विल नेवर गेट दैट क्लैरिटी के कितना, कैसे, कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ कॉस्ट कटिंग की जरूरत है, तो वो सारी चीजें आपके फाइनेंस में आती है। इनिशियली आप वो सब खुद ही कर रहे होते हो, आफ्टर अ वाइल आप ना एक टीम मेंबर रख लेते हो। फिर आता है आपका टीम बिल्डिंग। टीम में तो बिल्ड करनी है आपको, किस किस चीज के लिए,
राइटिंग के लिए जो आपका राइटिंग करेगा, फिर कोई एडिटर जो आपकी वीडियोस एडिट करेगा, देन समबडी हुज अ स्टाइलिस्ट जो आपका मेकओवर देखेगा, यू नो कि आप कैसे लग रहे हो, आप कैसे यू नो हाउ आर यू अपियरिंग ऑन द कैमरा, इफ यू आर गोइंग फॉर सम इवेंट्स, व्हाट इज द ड्रेस कोड यू शुड वेयर, और बहुत सारी चीजें हैं, राइट? तो टीम बिल्डिंग में मल्टीपल पार्ट्स हैं, राइट? अगर हायरिंग करना है तो देन आप उसका भी एक सेपरेट वो बना सकते हो, बहुत सारी हायरिंग करना है तो यू कैन हैव अ पर्सन हु इज जस्ट सीइंग हायरिंग, समबडी इज जस्ट सीइंग सेल्स, समबडी इज जस्ट सीइंग मार्केटिंग, समबडी इज जस्ट सीइंग लीड जनरेशन. तो इस तरीके से ये टीम बिल्डिंग इवेंचुअली होती है, स्टार्ट एक ही बंदे से होता है, बट देन इवेंचुअली वो बढ़ता है, जाता है. फिर आपका नाइन्थ जो पॉइंट आता है वो है आपका मीडिया प्रोडक्शन. अब मीडिया प्रोडक्शन क्या होता है? आपके एड शूट्स हैं, आपके क्रिएटिव्स हैं, आपके बैनर्स हैं, जो जो आपका ये मटेरियल इंटरनेट पे जा रहा है वो सब क्या आपका मीडिया है, आपके क्रिएटिव है. तो उसका प्रोडक्शन, उसके लिए भी अभी तो मे बी आपने सिर्फ एक नॉर्मल अपना फोन से या किसी भी चीज से करें, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको अपनी प्रोडक्शन क्वालिटी बढ़ानी है तो आपको एक मीडिया प्रोडक्शन का भी एक एरिया देखना पड़ेगा. एंड टेंथ बट नॉट द लीस्ट इज सिस्टम बिल्डिंग. अब सिस्टम बिल्डिंग क्या होती है? सिस्टम बिल्डिंग मतलब हर चीज का सिस्टम, हर चीज का सिस्टम. कैसे ऑनबोर्ड करना है, कैसे ऑफबोर्ड करना है क्लाइंट को, कैसे किसी को हायर करना है, कैसे किसी को फायर करना है, कैसे किसी को अगर कोई आ रहा है तो उसको क्या क्या मॉड्यूल्स देने, क्या क्या सिस्टम देने, राइट? अब जैसे मेरा कंटेंट राइटिंग का, हर एक चीज का, सेल्स की, हर चीज के टेम्पलेट्स हैं, राइट? सिस्टम से क्या होता है, लाइफ आसान हो जाती है. सो अभी मैं आपको शेयर करने वाली हूँ ये सारे के सारे 10 पॉइंट्स जो मैंने अपने लिखे हैं, राइट? सो सबसे पहले आता है आपका लीड जनरेशन, फिर आपकी नर्चरिंग, राइट? नर्चरिंग के बाद आता है आपका सेल्स, आपने लोगों को अच्छी परसीव वैल्यू दी, राइट? फिर आप उनको अच्छी रिसीव वैल्यू का प्रॉमिस करा, राइट? तो वो हो गई आपकी नर्चरिंग, राइट? आपने उनको बहुत नर्चर करा. देन सेल्स हुई, सेल्स के बाद वो आपकी कोचिंग में आए, कोचिंग के बाद उनको कस्टमर सपोर्ट मिला, देन आपको ऑपरेशन संभालने पड़ेंगे, आपको फाइनेंस देखना पड़ेगा, टीम बिल्डिंग देखनी पड़ेगी, मीडिया प्रोडक्शन देखना पड़ेगा, एंड फाइनली आपको देखना पड़ेगा आपका सिस्टम बिल्डिंग. आपके सिस्टम्स होना चाहिए हर चीज की, राइट? देयर शुड बी सिस्टम्स फॉर एवरीथिंग, राइट? सो ये थे 10 पिलर्स. लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि कैसे लगे आपको ये 10 पिलर्स, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर इट विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल हु कैन बी बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस वीडियो. ऑल्सो दिस गिव्स अस द एनकरेजमेंट टू क्रिएट मोर हाई क्वालिटी वीडियोज for people like you who are coaches, who are consultants, who want to grow and take their business to your heights. This is me, Taiba, your high ticket sales coach. I will see you in another video.